सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हरियाणा पुलिस की ताज़ा अपडेट आई है भाई। हरियाणा पुलिस का पेपर अब ऐसे होगा क्योंकि संशोधन किया जा चुका है, तो अब आपका कैसे पेपर आएगा पूरी जानकारी आपको देंगे। जो आपके चेयरमैन साहब है मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर चुके हैं। पेपर भाई आपका 94.5 अंक, NCC आपके 3 अंक के साथ, एक्स्ट्रा आपके 2.5 अंक आपको मिलेंगे। और पूरी जानकारी आप देख लीजिए, आपके सामने डिटेल वाइज पॉइंट रखते हैं। तो हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती नियमों में हुआ संशोधन, हाइट और दौड़ के अंक समाप्त होंगे। 94.5 अंकों का पेपर होगा, NCC के 3 अंक आपको दिए जाएंगे, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 2.5 अंक आपको दिए जाएंगे। पूरी खबर पर बात करें तो भाई पूरी खबर ये है, देखो जो आपके अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ मीटिंग कर ली है और मीटिंग में ये फैसला हो चुका है और ये जो आपका संशोधन है ये किया जा चुका है। अब यूं होंगी पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर पदों पे भर्ती। किस तरीके से होगी भाई, पहला पॉइंट है आवेदन मांगने के बाद आयोग सबसे पहले ग्रुप सी सिटी पास आवेदकों में से 10 गुना को भाई मौका देगा, ठीक है ना। 10 गुना उम्मीदवार इसमें बुलाएगा भाई, जिन्होंने सिटी क्वालिफाई किया है तो उसमें 10 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट यानी PMT के लिए बुलाया जाएगा। इसमें हाइट और छाती को मापा जाएगा। इस बार हाइट ज़्यादा होने के अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे। जो उम्मीदवार हाइट और छाती के माप में पास हो जाएंगे उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो भाई नेक्स्ट है, जो उम्मीदवार 10 गुना में से PMT में पास हो जाएंगे ना, उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दौड़ होगी, तय समय से कम दौड़ पूरी करने पर कोई भी अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा, ठीक है ना भाई। यानी दौड़ और जो आपकी भाई फिजिकल टेस्ट के नंबर वो इसमें नहीं मिलेंगे आपको हरियाणा पुलिस में। तो नेक्स्ट है भाई नॉलेज टेस्ट में, तो जो उम्मीदवार PMT में पास हो जाएंगे उनमें से कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट 94.5 अंकों का होगा, टेस्ट में 100% होंगे भाई, ठीक है ना। तो क्या है आपका हर पर्सन 0.95 अंक होंगे, यानी 0.95 अंक का होगा हर पर्सन। एक टेस्ट 90 मिनट का होगा, कोई गलत उत्तर देगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। ये तो वही बात है जो सेम पेपरों में होती है। कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% अंक आपको लाने जरूरी है, जो आरक्षित कैटेगरी है उसमें 40% अंक लाने जरूरी है। नेक्स्ट है भाई NCC, जो नॉलेज टेस्ट पास करेंगे उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा और आपको 3 अतिरिक्त अंक NCC के इसमें दिए जाएंगे, ठीक है ना। ए लेवल के लिए 1, बी लेवल के लिए 2 और सी लेवल के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे भाई, जिसका NCC का सर्टिफिकेट ऐसे है, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक मापदंड के 2.5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2.5 अंक देने का इसमें प्रावधान किया है। तो रिजल्ट आपका कैसे आएगा, सफल उम्मीदवारों का रिजल्ट निकालने के लिए नॉलेज टेस्ट जमा NCC जमा सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक मिलाकर भाई आपका कैटेगरी के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका नया संशोधन हरियाणा पुलिस में हो चुका है और ये आपकी मीटिंग भी हो चुकी है, जो आपके चेयरमैन साहब मुख्यमंत्री के सचिव के साथ मीटिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी हरियाणा पुलिस की। कोई भी आपका हरियाणा पुलिस पर सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हरियाणा पुलिस की जो हमने अपडेट साझा की है पीछे की कम्युनिटी में भी हम डालते रहते हैं और आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।